नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आज वर्ल्ड कप का तीसरा दिन है और कुल मिलाकर के आज दो मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को दो मुकाबले होने वाले हैं। पहला मैच जो है होगा दोस्तों, वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होगा, जो 10:30 बजे से खेला जाएगा, लेकिन दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच होने वाली है। तो इस मैच की सारी जानकारी, सारी अपडेट मैं आप सभी के साथ लेकर के आ चुका हूँ। लेकिन जो पहला मैच दोस्तों आज दिन का होगा, इसकी जो अपडेट वगैरह है, क्योंकि ये आज जल्दी हो रही है 10:30 बजे ही, तो इसके सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी आज के इस मैच में, इस वीडियो में खास तौर पे हम लोग साउथ अफ्रीका और श्रीलंका यानी कि मैच नंबर 4 की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुकाबले की बात करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को पॉइंट्स टेबल के बारे में बता देता हूं, क्योंकि अब तक दो मैचेस हुए हैं। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम जीती, दूसरा मैच पाकिस्तान की टीम जीती, और ये दोनों ही टीम 2-2 अंकों से नंबर 1 और नंबर 2 पर विराजमान है। लेकिन नीदरलैंड और इंग्लैंड, ये दोनों टीम सबसे नीचे 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे चली गई है। बाकी बीच में अभी अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका की टीम नज़र आ रही है। लेकिन आज दो मैचेस हैं तो 4 टीम्स खेलने वाली है। अफगानिस्तान खेलेगी, बांग्लादेश खेलेगी, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, ये टीम्स खेलने वाली है। और उसके बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल का नज़ारा कुछ और ही रहने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आएगा आज के इस मैच में, और इसी वजह से सारी जानकारी मैं आप सभी के साथ लेके आ चुका हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यदि दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के @BillaBombayReal सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, कल के प्रेडिक्शंस मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, जो प्रेडिक्शंस मैंने आप सभी को दी थी। तो कल के मैच में दोस्तों देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी, हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मानो नीदरलैंड की टीम जीतेगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था पाकिस्तान जीतेगी, अंत में वही हुआ, पाकिस्तान को 81 रनों से जीत मिला। इससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जो फैंटेसी टीम्स मैंने आप सभी को दी थी, खास तौर पर कल दोस्तों जो मैंने ग्रैंड लीग की टीम दी थी, ये टीम मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी ग्रैंड लीग की टीम, अगर आप लोग देखेंगे तो बाज लीडे हमारा कैप्टन था, वाइस कैप्टन लोगन विन बिग था, और आप सभी को पता है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने कैसा परफॉर्म किया। तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो काफी सही गई, साथ ही साथ दोस्तों यहां पर राशि वेंडरडे, मरवे, हारिस रॉफ, शाहीन अफरीदी साफ, सभी खिलाड़ियों ने काफी अच्छा पॉइंट दिया। केवल बाबर आजम को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी खिलाड़ियों ने काफी अच्छा पॉइंट दिया। तो इस टीम के साथ आप लोग आराम से दोस्तों जो मेगा लीग होती है, छोटी छोटी ग्रैंड लीग, वो आराम से विन कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड की बात करेंगे या फिर जो स्मॉल लीग्स होती है, वो तो वन साइडेड क्लीन स्वीप था इस टीम के साथ। तो इसी तरीके से आज के इस मैच में भी मैं सारी जो टीमें हैं वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा। और चलिए बात करते हैं इस मैच के बारे में, इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के बारे में बता देना चाहूँगा। तो आप लोगों को बता दूं, आज का जो मुकाबला है दोस्तों, ये दिल्ली से खेला, मतलब दिल्ली के ग्राउंड में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मैदान के जो पिच रिपोर्ट है वो ओवरऑल एकदम बैलेंस पिच है। बैलेंस मतलब इस पिच पे चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, दोनों को बराबर की सपोर्ट मिलती है, लेकिन खास तौर पे गेंदबाजों में तेज़ गेंदबाजों को अधिक मदद मिलती है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट के 10 मैचेस में पेसर गेंदबाजों को यहाँ 56% विकटें मिल चुकी है, और 44% जो है वो स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिली है। तो अगर आप लोग ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम्स बना रहे हैं तो पेसर गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड की वेन्यू स्टैट्स के बारे में। तो लास्ट के 15 मैचेस की अगर कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट इनिंग की जो एवरेज स्कोर रही है ये 202 रन है, वही सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर 163 है, और ग्राउंड की जो हाईएस्ट टोटल है दोस्तों वो 330 रन है, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम नीदरलैंड के खिलाफ बनाई थी। और इसी वजह से मैंने आपको कहा कि पिच बैलेंस वाली, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिल जाए तो हाई स्कोर बन सकती है, नहीं तो ऑन एन एवरेज 215 तक की स्कोर बनाई जा सकती है। हालांकि पिच के आंकड़े को देखेंगे तो इस पिच पे जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उनकी विनिंग चांसेस 53% है, और जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उनकी विनिंग चांसेस मात्र 33% है। तो आंकड़े को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो भी टीम टॉस को जीतेगी वो पहले बैटिंग करने का फैसला ले सकती है। इसी के बीच यहाँ पे बात कर लेते हैं अब दोनों ही टीमों की रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो टीम दोस्तों काफ़ी मजबूत है। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो ये पिछले 5 में से केवल 2 मैचेस हारी है, बाकी 3 जो मुकाबले हैं दोस्तों वो लगातार विन करते हुए दिखाई दी है। वहीं श्रीलंका की बात करेंगे तो ये खैर एक ही मैच जीती है, बाकी सभी के सभी जो मैचेस हैं वो लगातार हारती हुई दिखाई दी है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है श्रीलंका के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों श्रीलंका को जो है
एक कमाल की वापसी की आवश्यकता है, वर्ल्ड कप का पहला मैच है और नहीं चाहेंगे कि शुरुआत खराब हो, इसलिए साउथ अफ्रीका और श्रीलंका इन दोनों ही टीमों के बीच में एकदम कमाल की और एकदम टक्कर की जो लड़ाई है हमें आज देखने को मिलने वाला है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड के बारे में, तो हेड टू हेड के मामले में इस समय साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो काफ़ी आगे चल रही है, क्योंकि लास्ट के 10 मैचेस में 7 टीम साउथ अफ्रीका जीती है और केवल 3 जो मैचेस है वो श्रीलंका की टीम जीत पाई है। तो हेड टू हेड के मामले में श्रीलंका काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के बीच यहाँ पे मैं आप सभी दर्शकों को इस समय वेदर कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस बार के वर्ल्ड कप में वेदर काफ़ी मायने रखने वाला है। तो वेदर रिपोर्ट के बारे में दोस्तों अगर बात करते हैं तो वेदर जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, खास तौर पे जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रहने वाली है और इन्हीं के साथ जो बारिश आने की संभावना है वो केवल 0% है। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी 40% और आसमान मोस्टली सनी रहने वाला है, यानी कि चमचमाती हुई धूप दोस्तों पूरा दिन भर रहेगी। अरुण जेटली स्टेडियम से आज का ये मैच हम लोग जो है लाइव देखने वाले हैं, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बढ़िया खेल, एक बढ़िया मौसम और एक बढ़िया मैच हमें आज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आज के इस मैच के कुछ टॉप पिक्स के बारे में आपको बता दूँ, तो देख पा रहे होंगे आज के इस मैच में क्विंटन डिकॉक, कुशल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा और पथुन निशंका, इन चार खिलाड़ियों को जो है दोस्तों आप लोग अपने टीम में शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के ये इम्पॉर्टेंट और की प्लेयर रहने वाले हैं, तो इन चारों खिलाड़ियों को अपनी टीम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इन्हीं के साथ बात कर लेते हैं टॉप कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में कि कौन कौन से खिलाड़ियों को आज कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है बनाया जाए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने डेविड विल्लर, मथेश्वर पथिराणा, एडेन मार्करम और महेश तिक्षाणा, इन चार खिलाड़ियों को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स में रखा है। और इसलिए भी दोस्तों रखा है क्योंकि पिच बैलेंस वाली है, गेंदबाजों को बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगी, खास तौर पे गेंदबाज अगर विकेट लेना शुरू करते हैं तो फिर टीम को 200 रन बनाना भी बड़ा मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर मथेश्वर पथिराणा, तिक्षाणा इन सभी खिलाड़ियों को जो है कैप्टन वाइस कैप्टन में रखा है। तो ये जो चार खिलाड़ी दोस्तों मैंने आपको बताई ये आज के टॉप कैप्टन और वाइस कैप्टन के पिक्स रहने वाले हैं। और इसी के साथ अगर यहाँ पर आप सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं टॉस और मैच प्रेडिक्शंस के बारे में, तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि टॉस और जो मैच प्रेडिक्शन है, आज 2 मैचेस होने वाली है, इसी वजह से टॉस और जो मैच के प्रेडिक्शन है वो फाइनल आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नहीं मिला तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां मैंने पिन कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे जा करके @BillaBombayReal सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पर दोस्तों हर दिन सारी टीमें वगैरह जो कुछ भी होती है सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग जो है इस वर्ल्ड कप में एक अच्छे खासे जो है अमाउंट विन कर सके। और सारे प्रेडिक्शंस यहाँ पर दोस्तों मैं रेगुलर जो है प्रोवाइड करते आया हूँ, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जा करके अभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो बस आज के इस मैच में, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जो कुछ भी छूट गई होंगे या जो कुछ भी दोस्तों अपडेट होंगे सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं सीधा टेलीग्राम चैनल पर।